चैप्टर 10 लाइट। अब ये 9 हो गया न्यू बुक में, ठीक है। चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन आप सबको पता है, पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन एनी हार्ड सरफेस और रफ सरफेस, क्लियर, या स्मूथ सरफेस भी हो सकता है, ठीक है। यानी लाइट रे ऐसे जा रही है तो इस पे क्या होगी, अब ये जब इस पॉइंट पे पड़ेगी तो वहां से वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट, यानी वापस उसी मीडियम में आ गई, उस तरफ नहीं जा पाई, क्लियर है। रिफ्लेक्शन का मतलब बेटा सबको, ये किस टाइप का मिरर हो गया हमारा, प्लेन मिरर, ठीक है। और रिफ्लेक्शन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, ये कौन सा पॉलिश्ड होना चाहिए, सिल्वर पॉलिश्ड। सिल्वर क्यों, क्योंकि सिल्वर इज अ बेस्ट रिफ्लेक्टर, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन में आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े थे इवन एट्थ में, क्या क्या थे आपके, ये हमारी कौन सी लाइट हो जाएगी, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये क्या पॉइंट है हमारा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्लियर। इस लाइट रे को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, और इस लाइट रे को, ठीक है। लाइट रे जा रही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, इंसिडेंट हुई, क्लियर, और वहां से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, यानी बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर हिटिंग ऑन अ सरफेस। नॉर्मल, नॉर्मल क्लियर हो गया, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दूसरी चीज, अब नाउ ये वाला एंगल क्या होगा आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस, कहां फॉर्म कर रहा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। और क्या टर्म्स है आपकी, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कहां फॉर्म हो रहा है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। क्लियर हो गया सारी टर्म बेटा आप सबको। रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने क्या क्या पढ़े हुए हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन द सेम प्लेन। सेम प्लेन कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज इंसिडेंट रे इसके अलोंग अगर जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी के अलोंग आएगी, क्लियर। टू डायमेंशनल की बात कर रहे, प्लेन, आया समझ में ये चीज, दोनों लॉज। और ये बना लो बेटा इसे, व्हाट इज लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी थिंग्स, क्लियर, या ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लाइट की वजह से ही आप क्या ऑब्जेक्ट्स देख पाते हो, अगर सपोज डार्क रूम कर दे हम यहाँ पे, रूम में पूरा डार्कनेस कर दे तो क्या होगा, आप ऑब्जेक्ट्स कोई भी आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते, इवन दिखेगा ही नहीं आपको क्लियरली, ठीक है। बहुत ही डार्क कर दे तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत हो तो थोड़ा बहुत आप पहचान सकते हो, क्लियर। तो और ज्यादा लाइट हो जाए तो धीरे धीरे लाइट बढ़ाते जाए तो आपके सारे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो जाएंगे, क्लियर। तो लाइट क्या कर रही है, एनेबल्स अस टू सी थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स, क्लियर। दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स आपने पढ़े थे, कौन कौन से, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दूसरे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स भी आप देख सकते हो, इवन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हो। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्योंकि उनकी खुद की लाइट है, नॉन ल्यूमिनस क्यों, वो क्या करेंगे, लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे, कुछ एब्जॉर्ब करेंगे और कुछ रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट करके आपकी आईज में लाइट रेज आएगी तब आप उनको देख सकते हो, क्लियर हुआ, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लियर हो गया सबको, रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है बेटा, बताओ। रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपकी सपोज किसी सरफेस पे पैरेलल रेज जा रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो गई, पैरेलल ही आ रही है, क्लियर। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, मतलब प्योर रिफ्लेक्शन आपका यहां पे होता हुआ दिख रहा है, आया समझ में बेटा।
कि पैरेलल रेज थी और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल ही आ रही है, तो ये किस टाइप का रिफ्लेक्शन हो गया आपका? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि सपोज आपका, अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बेसिकली क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इररेगुलरिटीज इन द सरफेस, कि सरफेस में आपके पूरा सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है, रफ है, तो रफ होने की वजह से क्या हो रहा है, पैरेलल रेज जा तो रही है उसके ऊपर, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो रही है, पैरेलल नहीं आ रही, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, लाइक ऐसे। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी हम इसे बोल सकते हैं। क्लियर हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। बना लो इसे भी कॉपी में जल्दी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे और इमेज क्या होगी? ऑब्जेक्ट क्या है, जो एक्चुअल में वहां पर कोई भी चीज है वो आपके लिए ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ऑब्जेक्ट तो वैसे भी मैटर पड़ा है ना। ठीक है, तो जो एक्चुअल में वो चीज है वो आपके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। इमेज क्या है उसकी, ऑप्टिकली अपीयरेंस। ऑप्टिकली अपीयरेंस जो भी, मतलब जैसे आप सपोज सुबह मिरर में देखते हो, तो मिरर में आपको दिखते है आपकी फेस, तो वो क्या है आपके लिए, ऑब्जेक्ट है कि इमेज है? इमेज है। ऑप्टिकल अपीयरेंस जब आपको दिख रही है, एक्चुअल में वहां पे कुछ नहीं है बट आपको वहां पे वो विजिबल हो रहा है, जैसे टीवी की स्क्रीन हो गई। क्लियर, आपको वहां पे विजिबल हो रहा है बट वहां पे एक्चुअल में तो कोई नहीं है ना, आई बात समझ में? तो इमेज क्या है, ऑप्टिकल अपीयरेंस किसी भी चीज की जो विजिबल हो रही है बट एक्चुअल में वहां पे नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है, एक्चुअल में है। क्लियर हुआ, इमेज दो टाइप की हो सकती है, कौन कौन सी, रियल एंड वर्चुअल। रियल का मतलब क्या है, रियल इमेज दोज इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, फॉर एग्जाम्पल सिनेमा हॉल में। क्लियर, या प्रोजेक्टर से जब हम स्क्रीन पे इमेज बना रहे हैं तो वो आपकी क्या है, रियल इमेज है। वर्चुअल इमेज दोज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। एग्जाम्पल, जो डेली आप मिरर में देखते हो। क्लियर, मिरर में, कौन से मिरर में, प्लेन मिरर में। ठीक है, तो वो आपकी क्या हो गई, वर्चुअल इमेज। अब कैसे पहचानेंगे हम रियल और वर्चुअल इमेज को, रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इनवर्टेड। इनवर्टेड मतलब उल्टी हो जाएंगी। क्लियर, वर्चुअल क्या होंगी, हमेशा इरेक्ट होंगी। इरेक्ट तो आप सबको पता ही होगा, जो डेली सुबह देखते हो मिरर में, सीधी बनती है आपकी इमेजेस। क्लियर, तो रियल इमेजेस इन्वर्टेड होंगी और वर्चुअल इमेजेस इरेक्ट होंगी। क्लियर यहां तक, ऑब्जेक्ट इमेज के बारे में, रियल एंड वर्चुअल। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, आप डेली सुबह मॉर्निंग में देखते हो प्लेन मिरर में। ठीक है, तो कैसी इमेज आपको दिखती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? पहली, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर, वर्चुअल मतलब जो स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं हो सकती, मतलब वो कहां पे ऑब्टेंड हो रही है, मिरर के अंदर ही आपको दिख रही है, और वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी और वो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। क्लियर, सेकेंड, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जो साइज आपका ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज आपको इमेज का वहां पे दिखेगा प्लेन मिरर में। थर्ड, आपका सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट फ्रंट, इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी जितना आपका ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट में है उतना ही बिहाइंड आपकी इमेज दिखेगी। अगर आप मिरर से दूर जाने लगोगे तो इमेज भी आपकी वहां से दूर जाने लगेगी। क्लियर, पास आओगे तो इमेज भी क्लोजर आने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है, अब लेफ्ट आपका अगर मिरर में उठाओगे तो लेफ्ट क्या दिखेगा आपको, राइट, और राइट हैंड उठाओगे तो लेफ्ट, यानी आपका लेटरली इन्वर्टेड हुआ है। देखो, एक तो ये हो गया इन्वर्टेड जब आपकी पूरी इमेज ही इन्वर्ट हो जाए,
दूसरा लेटरल इन्वर्जन, कि साइडवेज इन्वर्जन हुआ है आपका, लेफ्ट राइट में हो गया, राइट लेफ्ट में, यानी जब आप इमेज देखते हो तो ऐसा लगता है ना आप अपनी इमेज को फेस कर रहे हो, आए समझ में? तो राइट आपका लेफ्ट में हो जाएगा और लेफ्ट आपका राइट में हो जाएगा इमेज में, क्लियर? उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन। और एक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, आप सबने कई बार देखा होगा एम्बुलेंस, एम्बुलेंस पे हमेशा क्या होता है? उल्टा लिखा होता है, क्यों? ताकि वो मिरर्स में जब दिख रहा है तो वो सीधा दिखे, क्लियर? रियर व्यू मिरर आपका किस टाइप का होता है? प्लेन मत कह देना, कॉनवेक्स, कॉनवेक्स मिरर होता है, उसमें भी आपकी कॉनवेक्स मिरर में भी हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है, क्लियर? तो जब जब वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनेगी, इवन सारे मिरर्स में आपकी, जब भी मिरर के अंदर इमेज ऑब्टेंड हो रही है तो वो लेटरली इन्वर्टेड होगी ही होगी। सो दैट्स व्हाई एम्बुलेंस में क्या होता है? इन्वर्टेड लिखा होता है, लेटरली इन्वर्टेड। तो जब कोई भी ड्राइवर मिरर में देखेगा तो उसे एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखेगा, जिससे वो पहचान जाएगा बेसिकली और प्रॉपरली उसको वे दे पाएगा, क्लियर? याद रहेगा यहां तक? चलो नेक्स्ट टॉपिक आपका अब क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर का मतलब क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्पेरिकल मिरर। अब आपने प्लेन मिरर के बारे में तो देख लिया, प्लेन मिरर, और पॉलिश किससे करते हैं मिरर को? सिल्वर पॉलिश से। क्यों? सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, ठीक है? अब स्पेरिकल मिरर, सपोज ये आपका स्पेयर है, हमने इसे सपोज यहां से कट कर लिया, तो इतना पोर्शन हमने निकाल लिया, क्लियर? और इसको हमने क्या किया? इस तरफ से पॉलिश कर दिया, ठीक है? और ऐसे ही इस मिरर का हमने ये पार्ट निकाल लिया इतना, क्लियर? और इसको हमने क्या किया? पीछे से पॉलिश कर दिया, ठीक है? तो ये ऐसे दो सरफेसेस हम ऑब्टेंड कर सकते हैं स्पेरिकल। तो ये कौन कौन से मिरर हो जाएंगे? ये कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव। इसको याद रखने का मतलब सिंपली केव, केव आपको पता है गुफा, तो अंदर की तरफ घुस रहे हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है वो कौन सा मिरर हो गया आपका? कॉनकेव। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखो एक तरफ तो हो गया पॉलिश सरफेस आपका, ठीक है, और जहां से लाइट आपकी पड़ेगी वो क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्लियर? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है वो कॉन्वेक्स, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है वो कॉनकेव, क्लियर? याद रहेगा बेटा, इसमें गड़बड़ मत करना कभी भी। दो आपके स्पेरिकल मिरर कौन कौन से? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब ये दोनों ही क्या है? स्पेरिकल मिरर के पार्ट है, क्लियर? एक तो सबसे पहले अब इसमें टर्म देखो क्या क्या आपकी इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल, ठीक है? पी क्या हो गया आपका? पोल। तो दोनों में ही सेंटर ऑफ द मिरर जो पॉइंट है वो पोल हो गया, क्लियर? नाउ अब ये जो मिरर है वो किसी ना किसी बड़े स्पेरिकल मिरर का पार्ट है, तो उस स्पेरिकल मिरर का क्या होगा? सेंटर होगा, क्लियर? तो उसका जो सेंटर होगा, आप देखो इसका सेंटर किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा, किस तरफ आएगा? राइट साइड, लेफ्ट साइड? राइट साइड, क्लियर? तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सी स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद रहेगा बेटा सबको? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखो यही चीज इसमें भी दिखा रहा हूं मैं आपको, क्लियर? ये इसके दोनों तरफ से ही। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ आएगा? लेफ्ट साइड में। तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर? अब कोई भी लाइन स्पेयर से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रही है तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी पीसी हमारा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर ये पॉइंट बेटा सबको? नाउ अब ये जो लाइन पी और सी को कनेक्ट कर रही है, और फर्दर इस लाइन को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं इवन दोनों तरफ, क्लियर? तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? ये लाइन दोनों तरफ ही इवन आपकी जा सकती है, मिरर के पीछे भी और आगे भी। ऑब्जेक्ट को हमेशा हमें कहां रखना है? मिरर के पीछे या मिरर के आगे?
मिरर के आगे रखोगे तभी तो उसकी रिफ्लेक्शन दिखेगी ना, पीछे से रिफ्लेक्शन दिख सकती है? कभी घर पे रख के देखना मिरर के पीछे, फिर देखना वो मिरर में दिखता है कि नहीं, दिखेगा नहीं ना, क्लियर? तो मिरर ऑब्जेक्ट हमेशा हमें कहाँ रखना है? मिरर के फ्रंट में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे बाय कन्वेंशन हमेशा हम, ठीक है? मिरर की पॉलिश राइट हैंड साइड को ही करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में ही हमेशा हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखना है और एज वेल एज ऑब्जेक्ट फिर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। क्लियर? कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए ये फिक्स कर दिया गया है आपके लिए। क्लियर हो गया ये पॉइंट? रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है? ये जो लाइन पास हो रही है इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सेस। और ये एक तरीके से नॉर्मल भी है। क्लियर? प्रिंसिपल एक्सेस जो लाइन है वो नॉर्मल होती है मिरर पे, ठीक है? क्लियर हो गई सारी टर्म्स दोनों केसेस में? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, एक तो अपर्चर। अपर्चर आप सबको पता है क्या होता है? लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जितना पूरा ये पार्ट है जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको हम अपर्चर बोलते हैं। इसमें इनवर्ड बन रहा है, उसमें आउटवर्ड बन रहा है। क्लियर? उस सरफेस को पूरा हम नाम क्या देते हैं? अपर्चर। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म की बात की थी वो ये नहीं था, क्या है वो? प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर ये हो गया आपका और कनकेव मिरर ये। क्लियर? सो प्रिंसिपल फोकस पढ़ा हुआ है किसी ने 10th में, इवन पहले भी 8th में? हाँ, क्या है बेटा प्रिंसिपल फोकस? जब पैरेलल लाइंस, जितनी भी पैरेलल लाइंस है वो क्या करेंगी बताओ? पैरेलल लाइंस आ रही है किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आगे वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से या तो पास हो या फोकस से अपियर हो उस पॉइंट को, मतलब किसी एक पॉइंट से वो या तो अपियर हो या यहां पे जाके वो इंटरसेक्ट हो, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। ध्यान से दोनों डायग्राम्स में देखो बेटा, ये सपोज हमारी लाइट रेज आ रही थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? ठीक है, अब ये देखो आपका जो कन्वेक्स सरफेस है वो किस टाइप का है? इस टाइप का है। यहां पे पड़ेगी ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी कि नीचे की तरफ जाएगी लाइट रे बताओ? जब यहां पे पड़ रही है तो ये ऐसे जाने के चांसेस है। क्लियर? ऐसे ये वाली यहां पड़ रही है तो यहां जाने के चांसेस है। अब इनको हमने क्या किया? पीछे की तरफ डॉटेड करवाया बेटा, मीट करवाया। तो हमने ये देखा ये चारों लाइट रे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं बेटा। क्लियर? तो जब आप रे डायग्राम बनाओगे तो आपको क्या करना है? ध्यान से उस चीज को नोटिस करना बेटा। जब आपको रे डायग्राम बनाना है, आपने चारों लाइन पैरेलल बनाई, इसको वहां पे ले जाके एक पॉइंट पे मीट करवाना है पहले। और वो पॉइंट जब रे डायग्राम आप बनाओगे, एफ जो होता है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड सी। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड सी या पी सी। क्लियर? तो जब आप इसको रे डायग्राम बनाओगे तो अगर सपोज आपने पीसी का डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल हमने 4 सेंटीमीटर लिया हुआ है पीसी का डिस्टेंस, तो एफ हमें कहां पे मार्क करना होगा? 2 सेंटीमीटर पे। क्लियर? ये आपको अपने आप करना है रे डायग्राम्स में बेटा, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से देखो इस चीजों को। क्लियर? तो 2 सेंटीमीटर पे आपने एफ मार्क कर दिया। अब एफ से ज्वाइन करते हुए इसको आगे भेजना है, इन सारे पॉइंट्स को, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को पहले एफ से ज्वाइन करवाना है और फिर ऐसे स्ट्रेट भेजना है। आया ये चीज समझ में? अब देखो पहले हमने कर दिया था, पहले हमने यहां का बना दिया था फिर एफ से ज्वाइन किया, तो टेढ़ी लाइन हो गई थी ना। पहले आपको इसको एफ से ज्वाइन करना है और फिर इसी को स्ट्रेट कर देना है। आया समझ में? जितने भी चारों इंसिडेंट पॉइंट्स थे उनको हमने एफ से ज्वाइन किया और फिर इधर की तरफ रिफ्लेक्शन दिखाया है। क्लियर? इसी तरह इसमें भी पैरेलल लाइट रेज जो आपकी आ रही है उनको क्या करना है हमें? अब इसमें क्या होगा, कन्वर्ज होगा कि डाइवर्ज होगा? कन्वर्ज। इसमें क्या हो रहा था? डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब फैल जाना। क्लियर? पैरेलल रेज आ रही थी, अब चारों रेज कहां कहां जा रही है? देखो एक यहां जा रही है, एक यहां जा रही है, एक यहां, एक यहां और नीचे। क्लियर? तो वो आ तो पैरेलल रही थी बट उसके बाद वो फैल गई, तो ये क्या हो गया? डाइवर्ज। और मिरर का नाम हम क्या बोल सकते हैं? डाइवर्जिंग मिरर।
Vex mirror is also known as diverging mirror. Clear? इस केस में क्या होगा? Converging. कि वो अंदर की तरफ बेंड कर देगा. आप देखो लाइट रे आपकी ऐसे पास हो जाएगी किसी एक पॉइंट से. क्लियर? और वो पॉइंट अगेन आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, क्लियर हुआ? और रे डायग्राम बनाते टाइम देखो मैंने क्या बताया आपको कि प्रिंसिपल फोकस हमेशा क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट ऑफ पीसी. तो जब भी आप रे डायग्राम बना रहे हो तो एफ को आपको उन दोनों के मिड पॉइंट पर प्लेस करना है. क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, यानी एफ अभी हमने समझाते टाइम आपको एफ बाद में समझाया है. ठीक है, बट जब आप रे डायग्राम बनाओगे तो एफ पॉइंट पहले से वहां पे मार्क कर दोगे. ठीक है, और कहां पे मार्क करोगे? दोनों के डिस्टेंस के बीच में. क्लियर? और इसी के बेसिस पे आपका जो रिलेशन है, अब देखो हम बात कर, अब नेक्स्ट हम आपकी फोकल लेंथ. फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से. जो पी एफ का डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाता है. पी टू एफ का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाता है. और फोकल लेंथ का रिलेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या होता है? हाफ. फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसका प्रूफ आप 12th क्लास में करोगे डिटेल में. ठीक है, अभी आपको सिंपली याद रखना है फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट्स व्हाई हमने मिड पॉइंट पे लगाया है. क्लियर ये पॉइंट बेटा? दोनों टाइप के मिरर कौन कौन से? कन्वेक्स और कॉनकेव. कन्वेक्स का फोकल लेंथ, देखो फोकल लेंथ उसी तरफ आएगा जिस तरफ उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है. अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड था, ठीक है, तो फोकल लेंथ भी राइट हैंड साइड आया, प्रिंसिपल फोकस भी राइट हैंड साइड आया. क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट हैंड साइड है जिस तरह. उसमें क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड था, तो फोकस और फोकस भी आपका किस तरफ आया? लेफ्ट हैंड साइड. क्लियर? जिस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसी तरफ आपका प्रिंसिपल फोकस आएगा. और फोकस हमेशा मिड पॉइंट पे होगा किसके? पी एंड सी के. क्लियर? ये डायग्राम बनाने से पहले ही आपको ध्यान से देखना है, बाकी रेज बनाने से पहले. क्लियर? कर लो नोट ध्यान से ये.